दोस्तों दबंग 3 के एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और जोरों शोरों से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग चल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि दबंग 3 ने अपने पहले दिन में एडवांस बुकिंग से कितना कलेक्शन कर लिया। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान चुलबुल पांडे के रोल में एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। दबंग सीरीज की इस तीसरी फिल्म में और भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि दबंग बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो दबंग 2 बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और अब दबंग 3 के क्रेज को देखकर लग रहा है कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है। दबंग 3 में सलमान खान के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, साई मंजरेकर, सुदीप, अरवाज खान, माही गिल और अमोल्य गुप्ता भी नजर आने वाले हैं और इस फिल्म को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों दबंग 3 के पहले दिन के एडवांस बुकिंग में हैदराबाद सबसे आगे रही है। हैदराबाद में इस फिल्म के पहले दिन की एडवांस बुकिंग 40% से भी ज्यादा की रही है और बाकी जगहों पर इसकी एडवांस बुकिंग थोड़ी कम रहे और यहां तक कि मुंबई में भी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी कम नजर आई है। तो दोस्तों ओवरऑल एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के हिसाब से इस फिल्म ने अपने पहले दिन में एडवांस बुकिंग से ही अब तक 18 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वहीं दोस्तों सोर्सेस की माने तो ये फिल्म अपने पहले दिन में इंडिया में 38 करोड़ तक का नेट कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों अगर ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और अपडेट्स पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।